एक ऐसा चोर जिसने ताजमहल और लाल किले को ही बेच दिया। आईफोन में आई का मतलब क्या होता है और क्या होगा अगर हम पेट्रोल से भरे एक पुल में गिर जाएं? तो ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 7, आईफोन में आई का मतलब क्या होता है। यदि किसी से इस सवाल को पूछा जाए तो वह यही कहेगा कि आईफोन में आई का मतलब मेरा फोन होता है। लेकिन अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि इसमें आई का मतलब मेरा फोन नहीं है। जब साल 1998 में स्टीव जॉब्स ने आई मैक उतारा था, तब किसी रिपोर्टर ने आई मैक के बारे में पूछा था। तब इसका जवाब देते हुए स्टीव जॉब्स ने बताया कि आई का मतलब इंटरनेट है। उस समय लोगों के लिए इंटरनेट नई चीज थी और बहुत ही कम लोगों तक इंटरनेट पहुँची थी। नंबर 6, ब्लू मार्लिन फिश को देखो, इतने बड़े होते हैं। बट एक बेबी ब्लू मार्लिन जब छोटा होता है तब देखो आपका जो फिंगर है ना उस पे वो इजिली अट जाएगा, और जब ये बड़ा होता है तब ये 800 केजी तक पहुंच जाता है, और एटलीस्ट 5 मीटर बड़ा तो होता ही है, और वर्ल्ड के सबसे अमेजिंग फिशेस में से एक है। नंबर 5, ये देखो ये बहुत ही इमोशनल सा पिक है। नील आर्मस्ट्रांग जो कि फैमिली है वो अपने डैड को चांद पर जाते हुए देख रहा है। ये बहुत ही कॉमन सा पिक्चर लगे आपको, बट ये पिक्चर है इसमें बहुत सारा इमोशंस छुपा हुआ है। नंबर 4, अभी मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा, ये जो है एक एनिमल का पूर्वज है। आप यहाँ गेस करो कि ये किस एनिमल का पूर्वज है। लेकिन आपको क्या लगता है, डॉग्स कैट लायन? लेकिन आप ये सुन के चौंक जाएंगे कि ये जो ब्लू व्हेल के पूर्वज है। ब्लू व्हेल पहले जमीन पे रहती थी, फिर वो वाटर से अडॉप्ट हुई। इसको देख के ये नहीं कहा जा सकता कि ये एक व्हेल है। नंबर 3, दुनिया में आपने हजारों ठगों की कहानी सुनी होगी, जिसमें दुनिया के कई लोगों को बड़े बड़े चीजों का चूना लगाया गया होगा। लेकिन मिली है दुनिया के एक ऐसे ठग नटवर लाल से, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा ठग माना जाता है, क्योंकि इसने ताजमहल, लाल किला और राष्ट्रपति भवन को ही बेच दिया। कमाल का ठग है ना। नंबर 2, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार इंसान अपने लाइफ में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना वह उन गलतियों को बार बार सोच के होता है, और ये देखा जाए तो ये चीज़ दुनिया के 95% लोगों के साथ होता है। नंबर 1, कभी आपने सोचा है कि अगर कोई इंसान पेट्रोल से भरे पुल में कूद जाए तो उसके साथ क्या होगा? तो गाइस आप भी जानते हो कि पेट्रोल ऐसी चीज़ है जो कि पानी से भी 6 गुना थिक है, और ये काफ़ी ज़्यादा थिकर भी होती है, जिसके चलते पेट्रोल से भरे पुल में आप जंप करते हो तो आपका पूरा बॉडी पेट्रोल के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा। वैसे ही आपके ऑर्गन्स में इचिंग स्टार्ट हो जाएगी, और ऐसा होने के बाद पेट्रोल का कुछ परसेंट आपके बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाएगा, और पेट्रोल के स्मेल के चलते आपको चक्कर सा महसूस होने लगेगा, और आपका पूरा बॉडी टेम्परेचर भी लो हो जाएगा, जिसके वजह से आपका दिल काफ़ी तेज से धड़केगा, जिसके बाद आपको जल्दी से निकाला नहीं गया तो आपकी हालत काफ़ी डेंजरस हो जाएगी, और मे बी आपकी मौत भी हो जाए। तो ये थी फैक्ट्स की बात है, यहाँ पे सारी फैक्ट्स खत्म। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लेना।